अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब अलहमदिल्ला मैं एकदम ठीक हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे तो भाई पिटारा का वीडियो शुरू हुआ वीडियो शुरू होते ही जैसे आम लोगों का वीडियो शुरू होता है डेली की ब्लॉगिंग व्लौ... शुरू होती है कि सुबह उठ गए बच्चे लोगों को नाश्ता दे दी टिफ़िन दे दी अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं मैं घर का काम कर ली कपड़े बिगा ली कपड़ा बर्तन धो ली किचन साफ़ कर ली अब खाने की तैयारी कर रही हूँ फिर बच्चे आ गए हमने खाना खा लिए और फिर अब बच्चे तैयार हो रहे हैं नहाए नहाए धोए अब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रहे लेने जा रहे हैं उसके बाद में बच्चे लोगों को शाम का नाश्ता कराया गया फिर बच्चे लोगों को आ, मतलब के टाइम का टाइम पे नाश्ता खाना ये सब करवा विरवा के और बीच बीच में फिर जैसे जैसे टाइम हो तो मैंने नमाज़ पढ़ ली मैंने कुरान शरीफ पढ़ ली ये सब कुछ भी नहीं था आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सब था इसके वीडियो में नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं था हमेशा की तरह वीडियो शुरू होते ही इसने दिखाई कि मैंने बच्चे लोगों को स्कूल से लेने जा रही हूँ हस्बैंड कहीं काम से गए हुए तो मुझे ज़िम्मेदारी देके गए तो मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए और वहाँ जाके आज मैं जल्दी आ गई ना मैं टाइम पे आ गई देखो मैं टाइम पे आ गई अरे भाई हाँ पता है तू टाइम पे आ गई अभी दो दिन तो हुए तेरे बच्चे स्कूल जाने लगे है और गंचू टाइम से पहले ही पहुँच जाता है टाइम से पहले ही छोड़ने भी और लेने भी तू ऐसे जताती है पता नहीं कितना बड़ा एहसान की है वैसे बिटारा गंचु कहाँ गया है आगे बताएंगे कि गंचु कहाँ गया है क्या करने के लिए गया है क्या प्लानिंग हुई क्या सब हुआ ना आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें होगी क्लियर ऐसे औरत की ज़िम्मेदारी होती है जैसे ही बच्चे घर पे आते हैं ना उनको कपड़े निकाल के देना नहलाना धुलाना उनको खाना वाना देना लेकिन ये औरत घर में घुसते साथ में ऊपर की सीढ़ी पकड़ी जो कि ये बताती है ना हमेशा यही रूम में मैं पड़ी रहती हूँ तो ऊपर की सीढ़ी पकड़ के डायरेक्ट वो रूम में चले गई फिर नीचे उतरी तो ये बता रही है कि दो घंटे गुजर गए और इसके बच्चों के आगे खाना रखा हुआ था और ये बता रही है कि दो घंटे गुजर गए इनको आके तो अब मैं इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ जबकि कोई दो घंटे वनटे कुछ भी नहीं गुजरे थे ये औरत ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट के लिए उनको लेकर आई खाना उनके आगे रखी ही थी अनु ने वही टाइम पे ये आ गई कैमरा लेके कि चलो भाई अब ट्यूशन का भी टाइम हो गया मतलब इतना फेक बताना इतना झूठ बताना बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई लाने के लिए गई भी नहीं ना गोचू लाने गया ना ही तो दिखाई इतने के बच्चे इसके आए कब तो ये वो टाइम पे है ना जो दिखाई है ना कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ ट्यूशन और आने के टाइम पे गाड़ी लग गई और बच्चों को मैं छोड़ के आ रही थी मैं रास्ता भूल गई तो नहीं बिल्कुल भी नहीं पिटा रहा तू तो बच्चों को कोई छोड़ के नहीं आई है कोई तो उनको ट्यूशन नहीं लेके गई थी तू गई थी कहीं और पे ही गई थी तू मोह काला करने के लिए गई थी जो कि तूने झूठ बोली क्योंकि जाहिर सी बात है अन्नू घर पे है अन्नू को पता चल जाएगा कि तू इतनी देर से गायब है घर से तो तेरे को कोई ना कोई तो बहाना बनाना था ना वरना अनु तो फ़ोन करके अपनी माँ को बता देंगी और उसकी माँ वाइटी पे हवा फैला देंगी कि तुम्हें कला करने के लिए गायब थी चार घंटा गायब थी इसके लिए तूने ये ड्रामा की रास्ता भूल जाने वाला वरना तू इतनी चालू है जब तू रोल खाने के लिए आधी रात को कहीं पे भी निकल सकती है जहाँ पे तेरा डेली का आना जाना नहीं है और वहाँ पे तू बराबर पहुँच सकती है तो ट्यूशन का तो डेली का आना जाना था तुम लोग का वहाँ का रास्ता तो कैसे भूल सकती है पिटारा ये बोलना कि मेरा ध्यान कहीं और था तो ये सब है ना झूठ है पिटारा ये तूने एक ड्रामा की थी और फिर ये जहाँ पे भी गई ना वहीं पे ये गई है और वही टाइम पे ये वापस भी आ गई है और बच्चों को तो सिर्फ इतने ड्रामे के लिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी में दिखाई है घुमा के राउंड मार के लेकर आई है बाकी फिर ये अकेली भटकने के लिए निकली थी अच्छा इतना सब दिखाने के बाद में ये बोलती क्या है कि घोचू है ना जिम्मेदारी नहीं निभाता है ये स्कूल से जब बच्चों को लेके आ रही थी ना बच्चों को पूछ रही है पापा कुछ दिलाते है? तुम लोग को बोले हाँ हम लोग को रोज़ चीज़ दिलाते है फिर मुस्तफ़ा ये भी बोल रहा है कि आज मैं पैसा नहीं लेके गया था फिर भी उन लोगों को बोल रही है नहीं आज डायरेक्ट घर पे चलो चीज़ बाद में ले लेना माँ हो के ये उनको मना कर रही है कि नहीं भले ही तुम पैसा नहीं लेके गए थे बिना नाश्ते के बिना टिफिन के तुम लोग जाते हो लेकिन मैं तुम लोगों को चीज़ नहीं दिलाऊंगी हालांकि गोंचू रोज दिलाता है बच्चे खुद बोल रहे हैं तो यहाँ पे साबित होता है पिटारा कि ज़्यादा अच्छा है ना उन लोगों का बाप है माँ नहीं यही पिटारा कोई रास्ता नहीं भूली थी वो किसी से मिलने के लिए गई थी जैसे कि वो रोज ही जाती है तो वो किसी से मिलने गई थी और इतने झूठ बोली है कि मैं रास्ता भूल गई बाकी इसके वीडियो में क्या था इसके वीडियो में था कि मुस्तफ़ा जीत किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है कि मुझे फ़ुटबॉल अकेडमी जाना है जाना है और ये मना किए जा रही है कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं भेजूंगी तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है अच्छा इसके बेटे का जब ऑपरेशन हुआ था तब ये स्विमिंग पूल में कूद रहा था झूलों में झूल रहा था वजन वजन चीज़ें उठा रहा था तब डॉक्टर ने मना किया था उसको इसने फॉलो नहीं की अभी उंगली का ड्रामा ले डॉक्टर ने मना किया ये क्यों नहीं बोलती पिटारा के तुझे है ना हरदम डर लगा रहता है कि कहीं तेरी पोल पट्टियाँ ना खुल जाए है ना तेरे बच्चों की बेज्जती ना हो जाए कि तुम्हारी इतनी घटिया माँ है और बच्चे कहीं गलती से कुछ तेरा सच्चाइयाँ ना बता दे इसके लिए तू नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े या कुछ सीखे या कोई क्लासेस जॉइन करे इसके लिए ना तू तो हमेशा बच्चों को रोकती है कि मत जाओ और पैसा बचाने का इन सब चीज़ों में वो भी तुझे बड़ी हवस है तो ये सारी चीज़ें अच्छा ये बातें कर ही रहा था मुस्तफ़ा उतने में पिटारा ने गाड़ी ठोकी ठोकी में जरा सी कहीं पे गाड़ी को घसड़ दी तो उसमें मुस्तफ़ा इसको क्या बोल रहा है पता है कि देखो अल्लाह ने आपको दिखाया आपने मुझे मना किया ना तो आपसे गाड़ी इस तरह से लग गई सोचो पिठारा ये बात तुम ये बात को दिमाग में ज़रूर सोचो कल तुम बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आज अल्लाह ने तुम्हें हिंट दिया है कि औकात में आ जा वरना ये एक्सीडेंट भी हो सकता था और तेरा कुछ अच्छा खासा बुरा भी हो सकता था ये अल्लाह की तरफ से पिठारा तेरे को एक संकेत बोलते है ना वो मिला है अल्लाह ने तुझे दिखाया है ये जो तूने इतना बड़ा टाइटल लगाई ना तो समझ जा पिटारा इतनी गुरूर की बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं स्टार हूँ तुम लोग हराम का खा रहे हो ये सारी बातें जो तूने की है ना सच में तुझे अल्लाह दिखाएंगा पिटारा इन सब चीज़ों का तुझे ना सूच समेत मिला ना तो बोलना तेरे बेटे ने तो तुझे दिखाई दिया कि अल्लाह जवाब ज़रूर देता है अल्लाह औकात ज़रूर दिखाता है अच्छे को अच्छी और बुरे को बुरी तो ये तो सिर्फ़ बोलते हैं ना ट्रेलर था पिक्चर भी तुझे एक ना एक दिन देखने मिलेंगी देख लो इसके बच्चों का भी कितना दिमाग चलता है खुद का वहाँ पे अगर उसकी माँ ने नहीं सुनी तो कितनी बड़ी बात बोला है उसने कि अल्लाह ने आपको दिखा दिया पिटारा बिल्कुल उसके घर देर है अंधेर नहीं है और तुझे अल्लाह ज़रूर दिखाएंगा और मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगी और मुझे पता भी चल गया है कि वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है वो कैसे मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ वैसे पिटारा तेरे बच्चे ही तेरे बस में नहीं हैं आज नहीं तो कल वो दिन भी तू देखेंगी जब यही बच्चे ना तुझे लान तान करके घर से निकालेंगे तेरी फूल बेज्जती करेंगे वो दिन भी तू देखेंगी किस तरह से तेरा बेटा बहस कर रहा था कितनी जिद कर रहा था किस तरह से तुझे ताना दिया तो इन तू जो बच्चा काट खेल खेल के ये जो हराम के पैसे कमा रही है ना ये इन ना तेरे काम आएंगे और ना ही तेरे बच्चों के काम आएंगे देख लेना तू और यही बच्चे ना तुझे तेरी औकात दिखाएंगे एक दिन तू रोएंगी तड़पेंगी बोलेंगी ये बच्चों का नाम ले लेके मैं कमाती थी मैं यहाँ पे आके झूठ बोलती थी देखो आज मेरे साथ क्या हुआ वो दिन भी इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे अल्लाह इतनी बेशरम है किचन में जाके ये दिखा रही है कि ये देखो सालन बन रहा है मतलब कि औरत को कोई काम नहीं कुछ नहीं करना होता है सालन बन रहा है मतलब कि हर काम ये बच्चे लोगों से करवाती है वो अन्नू से खाना बनवा रही है बताओ अन्नू खाना बना के रखी है तो ये जाके ढक्कन खोल के देख रही है कितनी बेश है ना पिटारा बच्चों के हाथ से तेरे को हजम कैसे हो जाता है काम चोर अच्छा फिर बाद में ना गोचू आया तो गचू के हाथ से इसने तर्जुमे वाला कुरान शरीफ़ ली और फिर उसको कहानियाँ सुनाने बैठ गई कि मैं ऐसे करके ना रास्ता भूल गई थी फिर मैंने सोची मैं आपको कॉल करूँ फिर मैं बोली नहीं मैं हमेशा कॉल करती हूँ तो मैं नहीं करूँगी फिर मैंने सोची आज जहाँ भी गाड़ी चली जाए चले जाए मैं तो गाड़ी चलाती रहूँगी और वहाँ से जो एक्सप्रेशन आया है ना गोंचू का कि ट्यूशन से तुम रास्ता भूल गई बड़ी बात है तो उससे पता चलता है पिटारा कि तूने झूठ बोली गोंचू ने बहुत ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे तुझे सारा रास्ता पता है तुझे सब कुछ पता है और वो भी है ना ऐसा अजीब सा मुंह बनाया जैसे वो भी समझ गया हो कि तू कहीं और गई थी तो पिटारा कितना झूठ बोलेंगी और कितना बेवकूफ़ बनाएंगी ऑडियंस को और आज ये घोछ को बो रही थी कि आपको कमेंट आ रहे थे इनको बहुत सारे कि पिटारा आपके थंबनेल पे क्यों नहीं होती है तो पिटारा उसके साथ में पिक्चर ले रही थी और बो रही थी कि मेरे पिक्चर आप थंबनेल पे लगाओ आप तो मुझे लगाते ही नहीं हो तो पिटारा कितना ड्रामा करेंगी कितना झूठ बोलेंगी जब तू तो इसको इजाज़त देती ही नहीं है घर में ना वीडियो बनाने की इसको इजाज़त है ना तुझे थमनेल पर लगाने की इजाज़त है क्योंकि तू डरती है कि वो आगे ना बढ़ जाए तेरे से है ना कई वो ज़िम्मेदारी मतलब जो तेरे डायलॉग है कि मैं ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ मैं सारा कुछ कर रही हूँ फिर ये डायलॉग तेरे से छिन जाएंगे ना जब तेरे से अच्छे व्यूज़ घोंचू ले लेंगा तो ये डायलॉग तो तू मार नहीं पाएंगी इसके लिए तू कभी भी नहीं चाहेंगी कि गोंचू को वो व्यूज़ आए गोंचू तेरे से आगे बढ़े इसके लिए ना ही तो तू इसको वीडियो बनाने देती है और ना ही तो उसके वीडियो में आती है ना ही तो उसको थंबनेल लगाने देती है लेकिन अब अब जो ड्रामा हुआ है ना तो आप मुझे थंबनेल पे लगाओ तो मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ जब सलमा ये मुद्दा लेकर आई थी ना उसके बाद से इसका बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी घोंचू से ये बहुत ज़्यादा जताने लग गई थी कि मैं घोंचू से बहुत प्यार करती हूँ उसके वीडियो में भी आने लग गई थी और बहुत सारा मतलब ऐसा कि मैं रह नहीं सकती इसके बिना गोचू गोंचू गोंचू गोंच करने लग गई थी तो उससे है ना ये ये जताना चाहती थी कि मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती हूँ देखो मैं तो मेरे हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ और वो टाइम पे आप लोगों को अगर याद होगा तो ये थर पे दुपट्टा लेना सीख गई थी इतने दिलबर ने बाबर ने मिल के एक वादा किए थे एक चैलेंज लिए थे कि हम पांच टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके थोड़े दिन के बाद में फिर इसको सभा की कॉपी याद आ गई थी और इतने पर्दा करने का ड्रामा करना शुरू कर दी थी याद है वो सब टाइम कौन सा था जब इसकी पोल पट्टियाँ खुल रही थी जब इसका गंद आया था जब इसकी पोल पट्टियाँ खुली थी ना वो टाइम पे इसको नमाज़ याद आई थी पर्दा याद आया था अल्लाह याद आया था और अम्मी याद आई थी और हस्बैंड की मोहब्बत भी भाई हस्बैंड की मोहब्बत भी याद आई थी और सेम वही सारी चीज ये फिर से रिपीट कर रही है अब आप लोग सोच रहे होंगे अम्मा को तो इसने इस वीडियो में याद ही नहीं की तो ये जो लालटेन दिखाई है नाना अब्बा के घर की नाना अब्बा का नाम लेके और इसने क्या बोली कि नाना अब्बा ये लाइट लालटेन घर से लेके कर वहाँ जाते थे वहाँ से यहाँ आते थे तो ये लालटेन के पीछे कहीं अम्मा तो नहीं थी पिटारा जो यही लालटेन लेके अम्मा खेतों में जाती थी अम्मा को ब्लैकमेल कर रही है ये लालटेन दिखा के अब आप लोग खुद सोचो ये लालटेन दिखाने का क्या तुक बनता था क्यों इसने ये लालटेन निकाली और दिखा रही है अब यहाँ पे समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि ये अम्मा को फिर से ब्लैकमेल कर रही है एक बात तो ये क्लियर हो गई दूसरी बात इसके वीडियो में कहीं पर भी रमज़ान नहीं नज़र आया उसकी आवाज़ पे नहीं नज़र आई हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में फिर भी इसने रमज़ान को दिखाई कि रमज़ान इस पैगडी बना रहा है और फिर ये बोलना कि मेरा हस्बैंड कुछ काम से बाहर गया हुआ है और थोड़े दिन पहले रमज़ान की माँ और बाप का आना अनिता का अचानक से चला जाना और फिर बाद में रमज़ान की इस तरह से लाइव होना और फिर उस लाइव को लेके इतना हंगामा होना रमज़ान का चैनल डिलीट होना और सारे कुछ के बाद पिटारा का इस तरह से रिएक्शन आना के मतलब के ख़ानदान वालों के ऊपर भी उसने बहुत सारे अटैक की उनको पता नहीं सांप और क्या क्या दिखाने की कोशिश की तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा है और फिर एंड में कुरान शरीफ दिखाना और ये बोलना कि अब मैं तर्जुमे के साथ में कुरान शरीफ़ पढ़ूंगी जब भी ये औरत का कोई बड़ा कांड आने वाला होता है ना तो ये बिल्कुल अल्लाह काट खेलना शुरू कर देती है ये कुरान शरीफ को बीच में लाती है या अम्मा को ब्लैकमेल करती है अम्मा को बीच में लाती है या हस्बैंड से मोहब्बतें जताना शुरू कर देती है अब आप लोग बताओ थोड़े दिन पहले ये बता रही है कि मेरी आँख फड़क रही है कुछ बुरा होने वाला है ठीक है इसके बाद में अचानक से रमजान का लाइव आना और फिर अचानक से इसका पर्दा करने की कोशिश करना जैसे दुपट्टा सर पे ले लिए और फिर घड़ी घड़ी दुपट्टे को सही कर करके दिखा रही है ये वाले वीडियो में पूरे वीडियो में दुपट्टा सही कर करके दिखा रही है और फिर एंड में दिखाना कि मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी और वो भी तर्जुमे के साथ पढ़ूंगी अपने आप को अल्लाह वाली दिखा रही है हस्बैंड से मोहब्बत करके दिखा रही है कि मुझे थंबनेल पे लगाओ और ये सारे कांड ये वही लिए करती है जब इसका बड़ा कोई कांड आता है और ये सारा कुछ है ना आप लोग खुद समझ सकते हो कि बहुत बड़ा कुछ कांड हुआ है पिटारा ने बहुत बड़ा कुछ कांड कर दिए जो बातें इसके ख़ानदान वालों तलक के पहुंच चुकी है और उसके चलते ना अभी अपने आप को शरीफ जादी दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि लोग जब वो चीज़ लेकर आएंगे ना वाइटी पे तो कोई भी यकीन ना करे सब जने ये सोचे कि भाई वो तो कितनी अच्छी औरत है देखो वो तो कुरान शरीफ पढ़ रही है वो तो नमाज़ पढ़ रही है वो तो हसबैंड से प्यार करती है उसके हस्बैंड से उसके साथ में इतनी अच्छी मोहब्बत है वो क्यों भाई किसी के साथ में काला करेंगी वो क्यों किसी का जाया करेंगी समझ आई दो दिन पहले शायद या कल मैंने बताई थी ना कि मेरे पास में खबर आई थी कि औरत ने जाया करवाई थी समझ आ रही है आप लोगों को स्टोरी तो मैं थोड़ा सी बताई देती हूँ कि पिटारा ने कांड कर ली है और जो मेरे पास खबर आई थी वो खबर भी सच्ची थी अब वो अनीता यहाँ से जाने के बाद में वो हर किसी को शायद पकड़ पकड़ के बोल रही है और इसके बाद में जो मेरा वीडियो आएगा ना वो आदमी को भी बोला गया है सारा कुछ सच बताया गया है और वो आदमी ने फिर रमज़ान के कान में ये सारी बातें डाला है कि तुम चैनल चलाओ और ये सारी गुलामियाँ छोड़ो तुम क्यों उसके साथ में इस तरह की जॉब कर रहे हो रमज़ान की जॉब ये नहीं है कि वो उसके घर का काम करे रमज़ान की जॉब है इसके साथ में गोँचू वाला काम करे गचू की कमी पूरी करे मर्द की कमी पूरी करे वो वाला काम कर रहा है रमज़ान तो उस चीज़ के लिए रमज़ान को रोका गया कि तू वो काम मत कर इससे बेटर है कि तू चैनल चला ले और फिर रमज़ान ने ये चीज़ का उसने मना किया तो रमज़ान को मतलब के अनीता यहाँ से ले के चली गई लेकिन इसने जानबूझ के हलीमा को रुकाई हलीमा को इसने लेने के बहाने रमज़ान को बुलाई और फिर उसको जाने ही नहीं दे रही थी उसके चलते इसके माँ बाप आए और पिटारा ने उनको अच्छी खासी रकम की डील दी थी कि मैं इतने इतने लाख दूंगी रमज़ान को इधर रहने दो लेकिन उसके माँ बाप ने वो डील को ठुकरा दिए क्योंकि अनीता नहीं मान रही थी अनीता ने बोली होगी कि मैं जाके सबको बता दूंगी कि रमज़ान वहाँ पे क्या काम करता है और पिटारा उससे क्या काम करवा रही है पिटारा का उसका क्या रिलेशन है ये वजह से उसके माँ बाप ने वो डील को एक्सेप्ट नहीं किए तो इसने बोली कि ताबर तुब लेके जाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही नहीं भेज रही थी क्योंकि वाई टी पे बात तो हो रही थी ना कि रमज़ान को पिटारा भेज नहीं रही है उसकी औरत बुला रही है तो ये जाने नहीं दे रही है तो इसने बोली कि आप चले जाओ मैं कुछ दिनों में इन लोगों को रमज़ान को मैन भेज दूँगी तो इसके बाप ने और इसकी माँ ने मान गए वो डील के ठीक है तुम पीछे से भेज देना अब रमज़ान को अचानक से भेज नहीं सकती थी तो ये लाइव वाला ये सारा कुछ हुआ जिसके चलते इसके सपोर्टरों के चिकाटियाँ निकल गई कि इसको भगाओ इसको हटाओ इसको भेजो 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 और फिर इसने ये लाइव वाला सारा कुछ करके और फिर इसने ये दिखाई कि मेरे साथ में तो कोई भी सेंसैर नहीं है मेरे साथ में रमज़ान ने सही नहीं किया अब रमज़ान गायब होता है ना तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई पिटारा के साथ में बड़ा बुरा किया था ना तो रमज़ान ने इसको भेज दी तो हो ना हो रमज़ान शायद गोंचू ने इसको छोड़ के आ गया है जो कि इसने दिखाई कि गोंचू किस काम से चला गया है कहीं पे तो ये तो कहीं नहीं जाने देती गचू को तो अगर गौचू कहीं गया है तो मेरे हिसाब से गाँव गया है अब गाँव वो हमेशा रहेगा या अनिता को समझा के मना के वापिस आएगा पैसे की लालच मिलेंगी धमकियाँ मिलेंगी तो वापिस आएंगा या तो फिर इतने रमजान को ना एक दो दिन के लिए कर दी है गाय कर दी है गायब एक दो दिन के लिए उसको कहीं भेज दी होगी या गांव ही भेज दी होगी एक दो दिन तू वहाँ पे रहे कुछ भी करके अपने घर वालों को मना के समझा के पैसे का लालच दे के धमकियाँ दे के की धमकियाँ दे के ये सारा कुछ करके तू वापस आ जाना तब तलाक के वाइटी का मामला भी ठंडा हो जाएगा और अनीता का किसी तरह से मुंह बंद करके आना या तो फिर उसको डिबॉस दे के आना इस तरह का सारा कुछ कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और ये है ना आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये रमज़ान के साथ में या किसी के साथ में ऐसा कुछ वापस से करेंगी तो भाई इसकी आदत है ये मजाक नहीं कर रही हूँ ना तंस में बोल रही हूँ पहले मामू की लड़की के हस्बैंड के साथ में करना फिर पड़ोसी के साथ में करना फिर अपने ही जीजा के साथ में करना तो भाई इसकी माँ ने बताई है इसको हवस की बीमारी है और वो बीमारी के चलते ना ये औरत है ना इसी तरह से बदनाम होती रहेंगी इसी तरह से गंदी होती रहेंगी कुरान शरीफ बताने का और ये बोलने का कि मैं अब तर्जुमा करूँगी इसका क्या मतलब है आप लोग खुद सोचो ना जो औरत तीन साल में आप लोगों को कुरान शरीफ़ पढ़ते हुए इस तरह से बोलते हुए नहीं नज़र आई अब क्यों इसको कुरान शरीफ़ का तर्जुमा करना है और लिख के रख लो अगर के इसने कुरान शरीफ़ पढ़ी या तर्जुमे से पढ़ी और दिख गई है आप लोगों को पढ़ते हुए ना तो आप लोग नाम बदल देना पिटारा का ठीक है ये औरत ने पहले भी नमाज का चैलेंज ली थी इसने नमाज का कोई चैलेंज पूरा नहीं की इसने बोली थी मैं पर्दा करूंगी मुझे हिदायत मिली है इसने पर्दा नहीं की अब यह कुरान शरीफ को उठा के लेकर आई है बीच में ला रही है कुरान शरीफ़ फिर बोलते हैं कि सलमा कुरान शरीफ को बीच में लाती है ये कुरान शरीफ़ को लाती है वो कुरान शरीफ़ को लाती है देख लो अपनी घटिया मालकिन को ये लेकर आती है क्या ज़रूरत थी अगर करना भी है इसको तो ये चीज़ बताने की कुरान शरीफ वीडियो में दिखाने की किसको डरा रही है किसको यह कुरान शरीफ दिखा रही है सोचो आप लोग ये सब ये क्यों कर रही है क्योंकि कुछ बड़ा गंदा हुआ है जिसको अब यह ढाकना चाहती है ब्लैकमेल करना चाहती है डराना चाहती है इसके लिए यह कुरान शरीफ दिखा रही है यह क्या जता रही है मैं सुधर जाऊंगी सलमा को भी बोली थी ना तूने मैं सुधर जाऊंगी मैं नहीं करूंगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तो ये सारा कुछ करके तू ये बता रही है सामने वाले से थोड़ी बात हो गई होगी कि मुझे माफ़ कर दो मैं सुधर जाऊंगी मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी मैं तर्जुमे से पढ़ूंगी मुझे माफ़ कर दो मुझे हिदायत मिलेंगी ऐसा कुछ बोली होगी तूने किसी को जब भी तू कुरान शरीफ दिखा रही है ना घटिया औरत और बड़ा कुछ कांड हुआ है बहुत बड़ा कांड हुआ है सेम वैसा ही कांड जैसा जीजा वाला साथ में जो इसने की थी ना वैसा ही कोई कांड हुआ है और इस बार भी कोई सलमा के जैसी ही है जो इसको धमकी दे रही है कि वो वाई पे लेके आएंगी ये बात इसके लिए ना ये सारा कुछ हो रहा है और हाँ वो लाइव वाला भी इसीलिए था ताकि रमज़ान को ये भेजे तो सबको यही लगे ना कि हाँ लाइव किया इसके वजह से भेजी इसके लिए रमज़ान दिख नहीं रहा तो ये रमज़ान के बिना वैसे नहीं रह सकती है और रमज़ान को भी अच्छी खासी लालच जिसम की भी हो गई है और पैसों की भी हो गई है और इसके गुनाह छुपाने की भी हो गई है तो अब ये कांड रमज़ान वाला सामने आने वाला है या कोई और है जिसका आने वाला है वो तो वक्त बताएगा खैर रमजान के साथ में भी लेकिन इसका इस तरह का रिलेशन है अब कांड किसका खुलता है वो तो वक्त बताएगा फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ला